दोस्तों आज है 11 फरवरी और एग्जाम हुआ है क्लास 12th हिंदी 50 मार्क्स किसका, 8 के स्टूडेंट लोग का एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा अच्छे से यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए ना आपके एग्जाम में, यहाँ पे बिल्कुल 100% एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन का आंसर जो है हम यहाँ पे गलत नहीं बताएंगे। सारा कुछ का आपको आंसर यहाँ पे ना बिल्कुल सही सही बताएंगे। आप लोग बस मिला लीजिए और लास्ट में बताइएगा आप लोग कितना सही करके आए एग्जाम में। और क्वेश्चन जो है बहुत ईजी था, मतलब हम जो बताए थे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर गए हैं सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। आइए हम यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कवित्री यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आइए यहाँ पे अगला देखते हैं क्या चीज, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 2 नंबर। और इसमें क्या है, संध्या संध्या गीत किसकी रचना है, संध्या गीत किसकी रचना है, तो आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा जी की, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, यहाँ पे 3 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रामवृष बेनीपुरी जी की, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब आइए चौथा क्वेश्चन में क्या है, घबराना शब्द संज्ञा है, घबराना शब्द जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा, 4 का बी राइट आंसर हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़, 5 नंबर क्वेश्चन, 4 का बी नहीं, 4 का यहाँ पे डी भाववाचक, यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगी, सॉरी 4 का डी राइट आंसर हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, तो आपको बताए हुए थे 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था, सन यहाँ पे सन 1900 में, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, चयन शब्द का संधि विच्छेद है, चयन शब्द का संधि विच्छेद है, तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चेज और अन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगी। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, अनुराग शब्द का विलोम होगा, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, तो 7 का आंसर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विराग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उल्टा शब्द आपसे पूछ रहा है, विपरीतार्थक शब्द, ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। अब यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तजोमय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, तेज जोर मैं यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। आइए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, लालमनी कौन था, आपको बताए हुए थे गौरा से लिया गया है, लालमनी ग्वारा का बछड़ा था, यानी जो बछड़ा था उसको लालमनी या फिर ये यहाँ पे गौरा का बछड़ा, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। आइए यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या है, लालमनी या फिर लालू कह के बुलाया जाता था इसको, 9 का ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हरिशंकर प्रसाई ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाई ने किस विद्यालय से एमए किया, एमए की पढ़ाई की है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर विश्वविद्यालय से। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है, जीवन संदेश किसकी रचना है, जीवन संदेश किसकी रचना है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जीवन संदेश किसकी रचना है, तो 11 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अब ये देखते हैं क्या चीज अगला क्वेश्चन, और ये क्या है, 12 नंबर में बोला जा रहा है नाटक शब्द है, नाटक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, नाटक शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, तो यहाँ पे 12 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पुल्लिंग है, नाटक शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। अब आइए यहाँ पे 11 का तो आंसर आपको बता दिए थे बी, और उसके बाद यहाँ पे 12 का राइट आंसर बताया आपको क्या चीज बी, उसके बाद यहाँ पे 13 में क्या है, हिंदी में वर्ण के भेद है, हिंदी में वर्ण कितने होते हैं, स्वर और व्यंजन, 2, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है चंदन का पर्यायवाची शब्द है, चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो 14 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या चीज, गंधराज, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंदन का पर्यायवाची गंधराज ऑप्शन बी राइट हो जाएगी। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हिमालय का संदेश शीर्षक कविता किसके द्वारा लिखी गई है, तो 15 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या चीज, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या चीज, 16 नंबर क्वेश्चन, इसमें है जिस जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्रिया कहते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। ये सब आपको अच्छे से हम बताए हुए थे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मैच किए हैं, आप लोग बताइएगा कितना हम लोग से यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, तो वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे 17 में क्या है, इसमें बोला जा रहा है रहीम शब्द, रहीम रहीम कवि की नीति परक उक्तियाँ पर किस कवियों की छाप प्रतिलक्षित होती है, तो यहाँ पे 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज़, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, संस्कृत कवियों की, ऑप्शन सी राइट हो जाएगी। फिर आइए 18 में क्या बोला जा रहा है, उगल देना, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है सच उगलना, सच बोलना, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गुप्त बार प्रकट करना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 में क्या है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो बिना पानी, यहाँ पे ऑप्शन ए 19 का सही आंसर हो जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे बोला जा रहा है तल्लीन का संधि विच्छेद है, तल्लीन का संधि विच्छेद है, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्या चीज, तत् जोर लीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी।
फिर देखिए यहाँ पर हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक अगर नहीं किया ना तो लाइक कर लीजिए जल्दी से, और शेयर कर दीजिएगा सभी के साथ ताकि वो लोग मिला सके इस सारे आंसर को, और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा यहाँ पे, उस हिसाब से हम क्या करेंगे आगे का तैयारी आप लोग का अच्छे से करवाएंगे। यहाँ पे 21 में क्या है, कम बोलने वाला क्या कहलाता है, तो मितभाषी ऑप्शन में यहाँ पे 21 का बी हो जाएगी, 21 का बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन में है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के आपको बताए थे यहाँ पे क्या चीज़, 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 भेद होते हैं, ये सब आपको बताए हुए हैं। वचन शब्द है तो वचन क्या है, तो वचन यहाँ पे 23 का हो जाएगा, पुलिंग है वचन, पुलिंग हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रविन्द्रनाथ ठाकुर को बांग्देश की बुलबुल की संज्ञा किसने दी थी, यहाँ पे 24 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, देवेंद्रनाथ ने उनके पिताजी ने, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। फिर यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में है रविन्द्रनाथ ठाकुर गद्य क्या है पद्यात्मक पुस्तकें किस भाषा में लिखे हैं, तो यहाँ पे बंगला, यहाँ पे ऑप्शन बी 25 का राइट आंसर हो जाएगी। अब आइए यहाँ पे देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, और 26 में क्या है, माता की मृत्यु के पश्चात सुमित्रानंद पंत किसकी छत्र छाया में पले भरे, तो उनके क्या चीज़, पिता और दादी की छत्र छाया में कौन पले, यहाँ पे सुमित्रानंद पंत जी, ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा 26 का। अब आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, ये क्या है अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अंक भरना मुहावरे का अर्थ जो है 27 का आंसर हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन बी स्नेह से लिपटा देना, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़, 28 नंबर क्वेश्चन, और ये क्या है, रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, सर्वनाम है, तो यहाँ पे 28 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगी। अब भाई यहाँ पे देखते हैं क्या, 29 नंबर क्वेश्चन, आपको बता दें यहाँ पे 30 में से आपको 25 क्वेश्चन का जवाब देना था, अगर आप 25 से अगर ज़्यादा क्वेश्चन 26 27 का दिए होंगे तो आपको केवल 25 क्वेश्चन का टिक किया जाएगा, चेक किया जाएगा, तो इसमें अगर कोई आप एक्स्ट्रा दे दिए तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे हमसे इसलिए आपको बता दिए। यहाँ पे क्या है 29 में हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटारसी मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगी। अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या चीज, ऑप्शन ए 29 का राइट आंसर। अब अगला 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है एक शब्द में होगा, तो यहाँ पे 30 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाचाल यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। और यहाँ पे सब्जेक्टिव की अगर बात करें, सब्जेक्टिव में बहुत ही ईजी ईजी सा क्वेश्चन था, हम आपको बहुत सारे ये सब तो आपको बताए हुए थे यहाँ पे, 5 जो है ये सब चीज़ हम आपको पूरा डिटेल में अच्छे से बता दिए थे, इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बाहर से पूछा गया, सब क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी ईजी सा क्वेश्चन था, आपको पूरा का पूरा अगर हमारे सब वीडियो ये सब देखे होंगे इंग्लिश हिंदी 50 मार्क्स का, तो आपको मिल गया होगा। चलिए यहाँ पे इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।